सब्सक्राइब कीजिए मॉकटेल रेसिपीज इंडिया यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर ऑल सिलेक्ट करके बेस्ट मॉकटेल रेसिपीज सबसे पहले देखें। लेट्स गेट गोइंग। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सोनल परेरा और मैं आपके लिए लेकर आता हूं ऐसे इंटरेस्टिंग मॉकटेल रेसिपीज जो आप घर में आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं चिलिंग स्टोन्स या फेक आइस का अनबॉक्सिंग वीडियो। तो दोस्तों, हुआ ये कि मेरा जो बड़ा वाला फ्रिज था वो लॉकडाउन के टाइम पे खराब हो गया। कंप्लेंट्स तो हमने डाले पर लॉकडाउन की वजह से वो तो रिपेयर होने से रहा। और मुझे तो आप लोगों के लिए मॉकटेल रेसिपीज के वीडियोस बनाने थे। छोटा फ्रिज तो हमेशा भरा हुआ रहता है तो उसमें आइस वगैरह बनाने के लिए अलग से जगह थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने इस प्रोडक्ट को मंगाया अमेजोन से। तो चलिए करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। दोस्तों, ये है मेरा फेक आइस का पैकेज जो दो दिन पहले ही आया था और उसे मैंने क्वारंटाइन किया था घर के बाहर कोरोना के डर की वजह से। मैंने इसे अच्छे से सैनिटाइज कर दिया है और अभी मैं करूंगा इसका अनबॉक्सिंग। इसे मैं काट देता हूं और ये मैंने निकाला पैकेज कंटेंट्स को बाहर। ये है कुछ पेपर वर्क जो मैं रखता हूं साइड में और ये है अपना असली प्रोडक्ट जिसे हम क्लियर टेप को काट कर खोल देंगे। और सबसे पहले इसमें हमें मिलता है ये आइस टॉन्ग्स जिसे मैं साइड में रख देता हूं। और अभी आते हैं इस स्टेनलेस स्टील रीयूजेबल आइस क्यूब्स पर। दिखने में तो ये बहुत ही अच्छा और एकदम बढ़िया फिनिश वाला है। अभी मैं सभी आइस क्यूब्स को प्लास्टिक से निकाल देता हूँ, इस टॉन्ग्स को भी खोल देता हूँ। टॉन्ग्स से ऐसे आप आइस को उठा सकते हैं। मस्त प्रोडक्ट है। इस टेप को हटा देता हूँ। दोस्तों, इस चिलिंग स्टोन्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि रेगुलर आइस के जैसा यह पिघलता नहीं, मतलब आपका मॉकटेल ठंडा तो होगा पर पानी पानी नहीं बनेगा। टॉन्ग्स को ऐसा रख के कवर अच्छे से फिक्स करेंगे तो एक मेजर एडवांटेज है कि दूसरे किसी भी चीज की बदबू नहीं पकड़ेगी। ऐसा एक कवर लगा के डायरेक्टली ऐसे ही डीप फ्रीजर में रख सकते हैं, एकदम कॉम्पैक्ट। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए मॉकटेल रेसिपीज इंडिया यूट्यूब चैनल को और फॉलो कीजिए इंस्टा पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।